spring, as over a billion people do in India, through the celebration of Holi, the Hindu festival of colors. And it's all about dancing, great music, food, and yeah. पूरी दुनिया में हर देश में मनाई जा रही होगी और मजे की बात इंडियन के साथ मिलकर फॉरेनर्स भी ये वाला त्यौहार मनाते हैं। Goal right here. Look, Holi has been celebrated for thousands of years. But I will say, growing up in America, I really didn't celebrate Holi, and a lot of my friends didn't either. But it feels like that's changing. ये त्यौहार फॉरेनर्स को पसंद भी पड़ा है। बहुत पसंद है उनको। हाँ। बहुत एंजॉय करते हैं। जरूरी है कि हम इन कल्चर्स को रिलीजन से हटके मनाए, क्योंकि ये हमारे इस खत्ते के बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो इससे और सिर्फ इस खत्ते के हैं। फॉरेनर स्पेशली होली मनाने भारत आते हैं। बिल्कुल। ओके, हैप्पी होली। जय हिंद दोस्तों, दुनिया भर के देशों में विदेशी लोगों के द्वारा होली का महापर्व जोरों शोरों से मनाया गया और यह चीज दिखाती है कि भारत वास्तव में धीरे धीरे एक ग्लोबल लीडर बनते जा रहा है। सर, कल्चरल डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ना मिस होती जा रही है, जैसे हिंदू पॉपुलेशन का तेजी से डिक्रीज हो जाना, उसके बाद मसले मसाइल है, यहाँ से लोगों का इंडिया में मुंतकिल हो जाना। अनफॉर्चुनेटली हम हिंदू पॉपुलेशन को उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बड़ा मौके की मुनासिबत से सवाल किया है। बुनियादी तौर पे इस वक्त मैं अपनी राय आपको देता हूँ कि ये खित्ता जो है ये रंगों का खित्ता है। अच्छा। और हमारा जो इस वक्त अगर आप इसको यूनाइटेड इंडिया देखें या आप बरे सगीर को देखें तो यहाँ पे हर चीज़ का एक अलग रंग है। हाँ जी। आप फूलों का रंग देखें, आप फसलों का रंग देखें, आप दरख्तों के रंग देखें, आप ज़मीन का रंग देखें, आपको इस धरती में हर चीज़ कलरफुल मिलेगी। आपको यूरोप में या बाकी मुल्कों में इतने कलर्स नहीं मिलेंगे। जब हमने इन चीज़ों को मज़ाहिब के साथ नथी कर दिया तो वो एक मोनोपोलाइज चीज़ बनती चली गई जो है नहीं। ठीक हो गया। ये खित्ते के लोगों के त्यौहार हैं और इसको मजहब से हटके खुशियों के तौर पे और खित्ते के तौर पे मनाएंगे तो हर कम्युनिटी ग्रो करेगी। दरअसल बीते कल 25 मार्च 2024 को होली का महापर्व था और इस दिन दुनिया के बड़े बड़े और शक्तिशाली देशों में भारत का ये त्यौहार जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। न केवल भारतीय मूल के नागरिकों ने विदेशों में होली का ये त्यौहार मनाया बल्कि जो वहाँ के मूल नागरिक हैं उन्होंने भी होली का ये त्यौहार मनाते हुए इस त्यौहार से प्राप्त होने वाले आनंद को सबके सामने प्रकट किया। देश विदेश में रहने वाले केवल आम इंसान नहीं होली का ये त्यौहार नहीं मनाया बल्कि जो वहाँ के सरकारी राजनेता हैं उन्होंने भी होली का त्यौहार मनाते हुए होली की स्वादिष्ट मिठाइयां खाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय राजदूत एरिक गाजेती ने होली की स्वादिष्ट मिठाइयां खाते हुए मिठाइयां और होली दोनों की तारीफ की और कहा कि मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य मानता हूं कि मेरी ड्यूटी भारत जैसे त्योहारों वाले अनोखे देश में लगाई गई। इसी के साथ साथ जापान से भी बहुत सारी फोटो और वीडियो सामने निकल कर आ रही है जो कि हमें ये बताती है कि जापान में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के साथ साथ जो जापानी मूल के नागरिक हैं उन्होंने भी जमकर होली खेली। Thank you so much और happy होली to you. Happy होली to you, आरजू जी, आप बहुत you looking very pretty और आपके सभी दर्शकों को रमजान की भी मुबारकबाद और I hope कि आप अफ्तारी कर ली होंगी और आज होली का भी त्योहार है तो it's a double bonanza. So happy होली and happy रमजान to you and all your viewers. बस ये हुआ सर के रमजान की वजह से इस बार इंडियन एम्बेसी ने जो है वो होली का फेस्टिवल नहीं किया, वरना लास्ट ईयर तो हम लोग गए थे और मैं थी, मेरे साथ मेरे दूसरे जितने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे वो सभी थे और हमने बड़ी होली खेली थी और कलर वलर लगाया था और खाया पिया था, तो शायद इस बार ही उन्होंने इसी वजह से नहीं किया कि फिर वो खाना पीना कैसे चलेगा और डे टाइम फंक्शन होता है, तो इसलिए इस बार वो गोल कर गए। लेकिन खैर, मुझे अभी तक इंडियन एम्बेसी के तकरीबन सभी लोगों का मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है और होली की विशेज उन्होंने मुझे भेजी है और जो है वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। खासतौर पे खैर इंडिया से तो आते ही मैसेजेस, लेकिन इंडियन एम्बेसी से भी सब लोग मैसेज करते हैं तो बहुत खुशी होती है। सर थोड़ा सा बता, मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ आपको और मेरा ये दिस इज वन ऑफ माई डिजायर कि आप और फकर भाई कभी आए यहाँ पे हमारे घरों पे आए और हम लोग साथ में इसको सेलिब्रेट करें। दैट विल बी रियली momentous day for my life, so it will be wonderful. Thank you so much. तो अब मुझे आप लोगों के साथ बात करके फैमिली जैसा ही लगता है। आप हैं फैमिली, ऐसा नहीं है कि फैमिली जैसा लगता है बल्कि यू आर अ फैमिली। तो मुझे बताइए सर के स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे भी इसको देखा जाता है, लेकिन रिलीजियसली अगर हम इसको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप होली को कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
देखिए रिलीजन तो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ मैंडेट ऑफ गॉड, बट हाँ ये कि इट्स अ कल्चर ना, कि भगवान, उसके दो स्टोरीज हैं। अभी मुझे एक चैनल पे गालियां पड़ गई थी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, तो फिर मैंने बीच में जाके कहीं से पढ़ लिया ताकि आपके चैनल पे दोबारा मुझे ना पड़े गालियां। तो एक दो स्टोरी है, एक तो प्रहलाद जी की स्टोरी है जो हमें बचपन से सिखाई जाती थी। आज होलिका दहन है तो छोटी होली कहते हैं हम लोग आज इसको, तो वो प्रहलाद और उनकी जो आंटी होलिका, वो उनको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती थी और उनको उनको अपने गोद में लेकर के वो आग में बैठ जाती हैं, बट समहाउ जो भगवान प्रहलाद थे वो ही कम्स आउट अनस्केथ। और दूसरी कहानी ये भी है, या ये भी एक ट्रेडिशन है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों के साथ जो है वो होली खेला करते थे, और आपस में जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे और सखियां थे यानी उनके दोस्त, फीमेल फ्रेंड्स एंड मेल फ्रेंड्स, वो सब लोग मिलकर के होली खेलते थे। और ये भी है कि गोपियां जो थी वो आज गोपियां मतलब भगवान वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए थे गुजरात, द्वारका चूंकि गुजरात में है तो वहां पर उन्होंने अपनी वो बसाई थी, अपना राजपाट बसाया था, तो वहां से फिर उनको निमंत्रण भी दिया गया था कि आप आइए हमारे साथ खेलिए, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक्सेप्ट किया था। तो वृंदावन में आज भी उसके लिए लड्डू बांटे जाते हैं, लड्डू मार होली होती है इसमें लड्डू फेंके जाते हैं आपके ऊपर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेडिशन कल्चर एंड हिस्ट्री, रिलीजन इज नॉट द राइट वर्ड टू अप्रोप्रिएट और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होली, इट्स अ ट्रेडिशन। बिल्कुल, लेकिन सर ऐसे लड्डू वाले होली में मुझे होना चाहिए बिकॉज मुझे लड्डू बड़े पसंद है, और स्पेशली वो जिसमें ड्राई फ्रूट और वो सारा मिक्स करके बनाया जाता है ना, पाकिस्तान में मिलता है उसको मेवे वाला लड्डू कहते हैं, वो तो अच्छा। जबरदस्त, इतना बड़ा सा लड्डू होता है, उसमें मेवा ही मेवा होता है, बड़ा मजा आता है। मैं कल लेकर, हमारे गोंद का भी होता है, आपके होता है गोंद का लड्डू होता है हमारे, पता नहीं आपके होता है, होता हो शायद होता हो, लेकिन मुझे तो वो, और बूंदी का, बूंदी का होता है, हाँ बूंदी का होता है, अच्छा। हाँ, बल्कि कल मैं लड्डू लगाऊंगी सोशल मीडिया पे, मुझे भी वो बूंदी का लड्डू बहुत अच्छा लगता है, तो खैर मुझे तो लड्डू आपने मुझे कुर्ता भेजा हुआ है और मैंने अभी तक आपको, नहीं नहीं आपने कह दिया इतना ही काफी है, और जाहिर है कोई ऐसा तकल्लुफ नहीं है, मगर मुझे ये बताइए कि बहुत बार हम ये भी देखते हैं सोशल मीडिया, आपके कुर्ते में मैं लगता बड़ा हैंडसम हूं, कई लोगों ने मुझे बोल दिया तो फिटिंग भी जबरदस्त है, इमरान खान वाला आपने मुझे कहा था इमरान खान जैसा, तो मैंने इमरान खान जैसे ही कुर्ता भेजा, लेकिन हम मुझे फील करता था वो जो पठान को पठानी टाइप का होता है ना, जैसे मैंने देखा था फिल्मों में, तो वो बड़ा अच्छा, इट इज अ वेरी नाइस फिटिंग भी है उसकी, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया, लेकिन अभिषेक सर एक सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त है याना मीर, उन्होंने एक जो है क्लिप शेयर किया था।